हाँ ये भाई बहुत हम सुंदर लग शिवलिंग को इस समय ये देखिए आप लोग कड़कड़ी नोट हम अभी शिवलिंग को दे रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि शिवलिंग ने पूरे उत्तराखंड की लड़कियों को एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया कि भाई हम पहाड़ के बच्चों को हम पहाड़ के जो लड़के हैं उनको उनके साथ शादी करेंगे। तो भाई ये यहाँ पे जो पैसे अभी हमने शिवली को दिए हैं ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये किसी जो लड़का था उसने ये पैसे भेजे हैं इनाम स्वरूप में कि भाई शिवली से हम बहुत प्रभावित हुए हैं। तो शिवली क्या कहना चाहेगी अब? धन्यवाद तो कह दो उनको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा और भाई इस तरफ है भाई शिवानी बिष्ट हैं और ये है हमारी बहुत प्यारी सी क्यूट सी बच्ची, हमारी बालिका बड़े भाई साहब की लड़की, इनका नाम है निक्की। तो ये निक्की बिष्ट हैं और इस तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हैं शिवली। अभी आप जिस लड़की को देख रहे हैं ये पूरे उत्तराखंड में छा रखी है, मतलब इसने तहलका मचा दिया है। खासतौर पर जो हमारे पहाड़ में जो युवा हैं, खासतौर पर जो पहाड़ी लड़की पसंद करते हैं उनके दिलों में शिवानी ने आजकल एक अपनी बड़ी छाप छोड़ी है। तो शिवानी क्या कहेगी उनके लिए, क्या बोलना चाहेगी? कुछ नहीं, कुछ नहीं बोल। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल कर रही। अच्छा लगभग 1000 के आसपास कमेंट आए हैं कि शिवली क्या सच में पहाड़ी लड़के से शादी करेगी, क्या वो देहरादून या शहर के लड़के से शादी नहीं करेगी? तो क्या बताना चाहिए शिवली उनको, क्या जवाब है तेरा है? तो भाई अभी हम आगे हैं, हमारे पूरे पहाड़ में इस समय जो लड़की छाई हुई है ना तो वो है शिवानी बिष्ट और साथ में भाई आज है निक्की। तो निक्की से भी हम जानेंगे। तो निक्की बिष्ट से सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है कि निक्की बिष्ट जब भी शादी करेगी, क्योंकि उनके मम्मी पापा शायद लड़का ढूंढ ही रहे हैं अपनी फैमिली में, अब सबसे बड़ी निक्की है, निक्की से पहले कौन थी दीदी, उसकी शादी हो चुकी है, तो निक्की की राय में कैसा लड़का को आप महत्व देंगे? मैं पहाड़ी लड़के से शादी करूंगी और पहाड़ी लड़के बहुत अच्छे होते हैं और समझदार भी होते हैं। अच्छा मतलब बिल्कुल बहुत शर्मा रही है बिटिया, एक तो हम सीधा उसके चाचा जी भी हो गए ना। तो इस तरफ भाई शिवानी की राय में, शिवानी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई शिवानी जो बोली है बिल्कुल झूठ बोली है, तो शिवानी जो आपकी बात थी पिछली वीडियो में वो बताइए आप। ये तो झूठ नहीं था जो मैंने बोला, ये मैंने सच अपने दिल से बोला कि ऐसा लड़का चाहिए, मैंने झूठ एक भी शब्द मैंने झूठ नहीं बोला। झूठ बोल के हमें भी क्या मिलेगा और देखने वालों को भी क्या मिलेगा, जो ये ऐसे बोल ले कि झूठ बोला ऐसा किया। आप ऐसा करो वीडियो में मत देखो, जब जो आपको झूठ लग रहा है तो जरूरी नहीं है कि वीडियो देखना, आप एक व्यूज से और एक कमेंट से कोई चांस तक नहीं पहुँच सकता। तो निक्की बता क्या क्या चीजें होनी चाहिए लड़के में खास तौर पे, कभी कोई रिश्ता आया है अभी तक ये बताइए? आए तो बहुत है पर कितने रिश्ता आए करीब करीब? 20-25 लड़के कितना आए देखने के लिए? एक भी नहीं, मैंने पहले ही मना कर दिया था। नहीं, मना करने का रीजन क्या रहा? मैं अभी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा उम्र कितनी है अभी? 20 साल। अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? अभी छोटी हूँ, 2-3 साल बाद करूंगी। अच्छा 2-3 साल बाद करोगे, तो फिर भी आप क्या क्या रखेंगे अपने प्राथमिकता में? लड़का पीने वाला नहीं होना चाहिए, अगर लड़का पीता भी होगा तो उसे लिमिट में पीनी चाहिए। और नहीं पीने वालों से क्या क्यों परहेज है इतना, क्या कमियां हैं उनमें? चलो हम तब तक शिवानी से जानते हैं कि पीने वाले लड़की में क्या लगता है आपको कि उसे पीने वाला लड़का में तो ये है कि दारू पीने की बात हो रही ना, सीधी सी बात है। हाँ दारू पीने की, कि ये भाई लोग भी देखते हैं कहीं जाते हैं तो वो दारू पी के कहीं पे गिर जाते हैं, कहीं पे बैठते, तो सबको बुरा लगता है, उनकी फैमिली वालों को अलग बुरा लगता है, जब लोग बोलते तब बुरा नहीं लगता, कि अपने लड़के को देख के नहीं लगता बुरा, जब लोगों के मुंह से सुनते कि वो वहाँ पर रखे वहाँ बैठ रखे वहाँ बैठ रखे, पीठ पीछे लोग बोलते कि आपका लड़का ऐसा है ऐसा लड़का तो चाहिए ही नहीं। क्योंकि बात तो ये है कि जिस टाइम लड़का मतलब देखने आता बात करता उस टाइम ये नहीं बोलता कि मैं पीता हूँ, या बाद में उसका पता तब चलता कि जब वो पी के आता कि कहीं शादी बारात में जाता तब पता चलता कि वो पी दारू पीता है या कुछ भी। अच्छा चलो मैं आपको एक ये कह देता हूँ कि यदि एक रिश्ता यदि सीधे देहरादून से या शहर से आए तो क्या रहेगी आपकी प्रतिक्रिया? हाँ बोलोगे? क्यों नहीं बोलेंगे? हाँ बताओ, इतना बढ़िया है, देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे पहाड़ी लड़के से करनी शादी। नहीं देहरादून नहीं चलेगा क्या? नहीं। क्यों? मुझे नहीं क्या क्या क्यों नहीं, क्या अच्छा नहीं लगता आपको देहरादून में? पहाड़ी ठीक है। पहाड़ में क्या ठीक है? आपको घास काटना बढ़िया लगेगा, मेहनत मजदूरी? हाँ मेहनत करना अच्छा लगता
मोव डाउन खेतों में घास काटो डेली का काम उसे करना में क्या जा रहा है। अच्छा भैंस कदे रखे तुम भाभी जी कदी भैंस रखे एक भैंस घास को काटन। अच्छा पक्का कन्फर्म है। कई लोग भाई ये कमेंट कर रहे हैं मुझे कि जो आप कह रहे हैं उस दिन हमने शिवली को दिखाया भी था कि बिल्कुल प्रूफ दिखाया था कि शिवली घास काट के आ रही है या भैंस में दूध निकाली है। हम पहाड़ की लड़कियां हैं तो काम तो हमें करना ही पड़ेगा और साथ में पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई नहीं करते, हम पढ़ाई करते हैं। अभी हमारा कॉलेज है। अभी कॉलेज में क्या कर रहे हैं आप? सेकंड ईयर में बीए कर रही हूं। कहां से? एनबीआर से। नहीं वो पूरा नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम कई चीजें हम गुप्त रखेंगे। अभी आपका कॉलेज चल रहा है और सब्जेक्ट क्या रखे हैं आपने? मेरे सब्जेक्ट पॉलिटिकल इको और हिंदी है। अच्छा तो खूब पढ़ाई करते हैं घर में? करते हूं। कितने टाइम? किस टाइम पे? 9 से 10, 6 से 8 जिस समय मुझे टाइम मिलता है। अच्छा अच्छा और वाटर रोड को बनाऊंगा घर में? मैं बनाती हूँ। खाना पीना पूरा है सब कुछ? हाँ, घर का सारा काम भी कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा अब शिवली से मैं जानना चाहूंगा कि शिवली भविष्य में कब तक शादी करेगी? भाई बहुत लोग ये कह रहे हैं ना कि कमेंट में कह रहे थे कि भाई हमें शिवली के मम्मी का या उनसे हमें कांटेक्ट करा दीजिए। तो मैं आपसे आज क्लियर कर देना चाहता हूं कि शिवली कितने साल बाद शादी करेगी, क्योंकि क्या रीजन है कितने टाइम बाद शादी करेगी शिवली? अभी तो मैं 19 साल की हूँ और शादी करूंगी तो मैं 22-23 साल में करूंगी। अभी दीदी भी है शिवली की? अभी बड़ी बहन है, एक की शादी होगी, एक बड़ी बहन है, पहले क्या पता उसकी होगी तब होगी मेरी। अच्छा तो शिवली को इतनी जानना चाहूंगा कि कोई देहरादून से या जैसे बहुत लोगों के कमेंट आए हैं मुझे जो विदेश भी रहते हैं ऐसे लोग भी हैं कह रहे हैं कि भाई हम शिवली से शादी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी लड़की है, तो क्या रहेगा, क्या उत्तर है तेरा उनके लिए? जो देहरादून रहते हैं या शहर में रहते हैं या बाहर रहते हैं, दिल्ली जयपुर से भी आया था मैसेज। हाँ बता। अभी शिवली सोच रही है कि गोलगप्पे को खाया जाए या छोड़ दिया जाए। ना गोलगप्पे को तो छोड़ दिया, गोलगप्पे तो हमारे पहाड़ में। अभी तो मैं यही कॉलेज करती, मेरे को अभी 1 साल वहीं मैंने रहने का मन ही नहीं करा, तो मैं बाहर कैसे रहूंगी इतने साल। अभी तो मेरे को 1 साल ही में ऐसा हो रहा है, मैं कब घर जाती, एक दिन की छुट्टी रहती मैं सीधा घर आ जाती, मन ही नहीं लगता वहाँ। शहर में बेकार लगता है। आजकल तो ये है कि पानी नहीं आ रहा, सबसे बड़ी बात है कि पानी नहीं आ रहा, और पानी आ रहा भी तो एक टाइम आ रहा, मतलब 5-6 मिनट के लिए पानी आ रहा, ना ज्यादा पानी आ रहा, एक गर्मी है वहाँ। और नहीं तो फिर वो ये भी कहेंगे भाई कि हम वहाँ पे बोरवेल खुदवा देंगे आपको, हम नीचे से बिल्कुल पानी ए टू टाइम बोलने की बात है। नहीं नहीं है ऐसी फैसिलिटी वहाँ पे, एसी रूम है, कोई गर्मी नहीं होगी आपको, लाइट होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो तब तो भाई आपको छाव के नीचे जाना पड़ेगा पंखा घुमाने के लिए। देहरादून में कहाँ जाएंगे हम छाव के नीचे, पहाड़ में तो क्या है, कहीं पे भी चले जाओ पेड़ के नीचे चले वहीं छाव मिल जाती है। तो सच से मैं कह रही तू ये बात क्या है, पहाड़ी लड़के से शादी करेगी? मुझे पहाड़ी लड़के से ऐसा करनी हुई शादी? कहीं कोई प्यार पूर तो नहीं से? ना सच बता। नहीं लव मैरिज नहीं करनी, घर वालों की मर्जी से करनी है। लव मैरिज में क्या दिक्कत है? लव मैरिज में मैंने दिक्कत है कि बाद में घर दोनों तरफ जाकर हानि हो तो बाद में एक ताना सुनने पड़ते, फिर कहते हैं ये तेरी मर्जी थी तूने की शादी, क्योंकि छोड़ मुझे ये सब होता रहता है। आजकल सब ज्यादातर लव मैरिज की शादी में यही हो रहा है। आजकल तो अनभी होने भाई की ब्योली ना ठीक दिन बारात जान वो ना वैसे मेहंदी रात भाग जाने। अभी 3 केस हुए हैं मेरी नजर में, 3 केस तो ये सब लव मैरिज के कारण है। किसी और से बात कर रहा, लड़की वहीं से भाग जा रही किसी और के साथ, तो जहाँ घर वाले देंगे थोड़ा ठीक सोच समझ कर ही देंगे। नहीं ठीक है, मतलब लव मैरिज नहीं होगी या भागेगी नहीं तो? नहीं ऐसा नहीं करूंगी। नहीं जो भाग रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे, क्या सही है वो? नहीं वो अपनी मम्मी पापा की इमेज खराब कर रहे हैं और जिनके साथ उनकी शादी हो रही उनकी इमेज भी खराब कर रही। नहीं वो तो इसमें देख ही नहीं रहे ना कि भाई, वो तो ये देख रहे हैं भाई हमने प्यार किया है। हाँ, और अगर उनको लव मैरिज करना है तो बता के कीजिए, वरना ऐसा नहीं है कि भाई इधर दूल्हे वालों ने लगभग 5-10 लाख रुपए खर्च कर दिया अपना, टेंट से लेकर बैंड बाजा से लेकर अब पूरे कार्ड कूड छप गए, लोग मेहमान घर में आ गए हैं और पता लग रहा है कि बारात जाते हुए कि लड़की भाग गई है, क्या सही है ये? तो अगर लड़की को किसी और से शादी करनी है तो उसे पहले ही बता देना चाहिए, खाली दूसरों का खर्चा क्यों करना, खुद का खर्चा और लड़के वालों का खर्चा। खुद का खर्चा तो कर ही नहीं रही, माँ बाप के जितने जीवर हैं सब लेके भाग जा रही मम्मी पापा के खर्चे,
नहीं नहीं खर्चा कहाँ कर रही है, वो तो प्रतीक्षा में है ना, और रिश्तेदार और गांव वाले और घर वाले परिवार वाले बदनाम हो रहे हैं। लड़की का क्या जा रहा है, वो भाग जा रही है और आराम से रह रही है और घर वाले उसके चक्कर में परेशान रहते हैं। तो ऐसे मामले में क्या लड़की के ऊपर मुकदमा होना चाहिए, जो लड़का भगा रहा है उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए? बिल्कुल, जो लड़का भगा रहा है उसके ऊपर भी और लड़की के ऊपर भी, दोनों के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, अब आप बताइए कि आप लव मैरिज करना पसंद करोगे? भाई मेरा तो यही मानना है कि मैं तो अरेंज मैरिज करूंगी, लव मैरिज के चक्कर में तो पड़ूंगी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी? लव मैरिज के चक्कर में इसलिए नहीं पड़ूंगी क्योंकि मतलब कि लव मैरिज पहले मतलब कि हाँ होगी, मतलब घर वाले ज्यादा से ज्यादा तो मानते ही नहीं कि भाई शादी के लिए, अब जब लड़की की भी जबरदस्ती रहती मेरे को शादी करनी तो वही करना, लड़के की भी बाद में कुछ ऐसा है, वो लड़का कुछ करे या ना करे पर लड़की को उसी से शादी करने, लव मैरिज का ये चक्कर है। बाद में कुछ भी हो गया दोनों तरफ से बिगड़गी तो तब लड़की को ये नहीं होता ना माँ बाप को ये बोलना कि भाई तुम्हारी पसंद की शादी तो खुद हुआ अच्छा ना लड़का हुआ अच्छा, पहले तो सबका यही रहता कि भाई मैं अच्छा हूँ ऐसा हूँ वैसा हूँ, बाद में तो पूरा पता बाद में चला, बाद में पता चल के तो हमें कुछ करते ही नहीं, करना ही क्या करना, शादी होगी सब कुछ हो गया। अच्छा चलिए, अब चलो आप पहाड़ी लड़के से शादी करेंगे, क्या उसमें आप फौजी को सरकारी नौकरी को महत्व देंगे या पहाड़ के एक समझदार लड़का जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है या उसका अपना खुद का बिजनेस है, क्या उसे भी महत्व देंगे? ना पैसे तो सभी कमा रहे, फौजी भी कमा रहे और प्राइवेट वाले दोनों अपने परिवार को पाल रहे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सरकारी नौकरी चाहिए, मतलब यदि मिल जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिश्ता कोई भी होगा अच्छा, घर का उसके परिवार अच्छा होना चाहिए और लड़का अच्छा होना चाहिए, मैं सबसे बड़ी बात है लड़का और परिवार अच्छा होना चाहिए। और सिबुली की राय में? मैं तो प्राइवेट जिसका खुद का बिजनेस है या कमाता वो प्राइवेट नौकरी उसी से करूंगी शादी। नहीं फौजी से निकल, फौजी से ना, फौजी का कोई भरोसा नहीं है। फौजी क्यों नहीं है? फौजी शादी के बाद भी बातें कर, बातें चल रही वहाँ, फौजी सब फौजी के यही हाल होते हैं। नहीं फौजी का ऐसा क्या हाल है? बहुत कम चांस होते हैं जो नहीं करता हो। नहीं तो फौजी क्या लग रहा है आपको, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, हमने कितने सारे देखे हैं ऐसे। नहीं फिर किसी फौजी ने आपसे बात की फिर? नहीं। तो फिर आपको कैसा लगा फिर? हमारे दोस्त के हैं तो दोस्त लोग करते तब बता रहे थे सबके बारे में, मतलब उनकी शादी हो चुकी है और फिर हाँ हो चुकी है हो फिर चुकी। भी दोनों तरफ लड़की भी और लड़का भी, फिर भी बात मतलब उसकी फौजी की घरवाली भी और फौजी भी। हाँ। तो इसलिए आप फौजी को नकार रहे हैं? हाँ। वैसे मुझे फौजी बिल्कुल पसंद नहीं। पहला मामला देख रहा हूँ मैं जहाँ पे ये सामने आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो फिर प्राइवेट नौकरी चलेगी मतलब? तो फिर आप तो फिर ये कहोगे ना फिर हम प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो हमसे तो यहाँ से देहरादून जाएंगे, मतलब जहाँ वो नौकरी कर रहा है चाहे वो मुंबई कर रहा है या कई बार, अगर उसका परिवार ठीक होगा तो परिवार के साथ भी रहते हैं, सास ससुर अच्छे होने चाहिए, मतलब परिवार ठीक होना। अब सीधी सी बात, एक बात और निकल के आई कि लड़के के साथ साथ लड़के की फैमिली वाले भी एक समझदार होने चाहिए, जो लड़की को बहू ना समझ कर बेटी की तरह माने, मतलब यानी कि बुआरी खूब ताना माने। जिस बेटे ने 20 साल अपने घर में, वो 40 साल उनके वहाँ काम कर रही, काम भी क्या है वो वहाँ रह रही, तो उसे मतलब सास को भी ये होना चाहिए ये भी मेरी बेटी है, ऐसा होना चाहिए। तब आप घर में रिजल पूर्ण पाटा उगरल सब बढ़िया फर्स्ट क्लास है, यमुना प्याज उगल जन हमारा गुम हुए, देखो आप देख सकते बिल्कुल बहुत बढ़िया प्याज है और आगे भी उगाएंगे। अच्छा, तो यदि बाई चांस कहीं से रिश्ता आता है तो मैं उन लोगों को क्या बोलूँ बता, सीधा से बात है अभी से नहीं करनी शादी, अभी शादी नहीं करनी है। और सिबुली अभी तो मेरा कॉलेज चल रहा, 2 साल अभी कॉलेज के, तब पूरी हो जाएगी उसके बाद पढ़ाई पूरी होगी, फिर नौकरी की तैयारी करोगे क्या? सरकारी नौकरी की तैयारी है प्राथमिकता में है, कोशिश है निकलेंगे तो ठीक है नहीं तो कुछ और देखेंगे। अच्छा, या आपको कोई प्राइवेट काम और भी सीख रहे आप? हाँ? जैसे सिलाई कटाई बुनाई क्या क्या काम आता तुझे बता? मैं सिलाई करती हूँ, मुझे सिलाई करने आती है पूरा सूट सूट बने दिन और क्या क्या बने, मतलब सूट में क्या क्या पूरा, लेडीज सूट या जेंट्स भी? नहीं लेडीज जेंट्स नहीं आते। कितना टाइम किया तूने काम? मेरे को 6-7 महीने हो गए।
6-7 महीने सीख रही है आजकल? सीख गई, अब तो लोगों के कपड़े से पैसे कमा रही हूं। अरे वाह, कितने पैसे कमाती भाई? देखिए आज देखो, आज को पहली बार बता रहा हूं मैं। ये नहीं बताऊंगी। नहीं, लगभग कितनी सूट सीड लेती है ये बता मुझे। एक दिन में 2 कंप्लीट हो ही जाती है। 1000 रुपए पर डे? अरे वाह। अगर काम घर का काम भी, घर का काम करती है तो मैं दुकान जाती हूँ, अगर घर का काम कम रहता है तो सीख जाती हूँ, नहीं तो एक तो कंप्लीट हो ही जाती है। 500 रुपए तो पक्का है, क्योंकि 250 प्लस 250 500 रुपए। अच्छा आप देख भाई, यहाँ पे शिवली कह रही है बर्तन धोने हैं, क्योंकि अभी हम सगाई में आए हैं, घर भी जाना है। और अभी हमारी जो बिटिया है उसको बहुत दूर जाना है, वहाँ है उसका गांव, देख रहे हो? ये देखिए, ये वाला गांव है भाई। तो भाई आज के इस खास वार्ता के लिए मैं शिवली और निक्की विस्ट, जी हाँ, शिवली और निक्की विस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत कुछ आपको बताया। अगली वीडियो पर हम बहुत कुछ आपके बीच लेके आएंगे। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना भाई। हम इंस्टाग्राम आईडी नहीं बताएंगे, क्योंकि बाढ़ आ जाएगी, सीधी सी बात है, बह जाएगी उस लड़की। चलो भाई, ये गए हमारे बिटिया, ये देखिए।